जय जगता। जो कि पेपर हो चुका है और हम लोग का बस कार तैयार है और बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है एग्जाम का लास्ट डे, तो आज एक आखिरी पेपर है, उसके बाद से एकदम मतलब बहुत अभी टेंशन था पेपर का, उसके वजह से मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। तो अभी ब्लॉगिंग के लिए मैं पूरा एकदम तैयार हो चुका हूँ और आज हम लोग का लास्ट पेपर है, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि आज लास्ट पेपर है तो हम लोग बहुत मतलब इंटरटेन करने का सोच रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे और लास्ट पेपर है तो आज ब्लॉग भी बनेगा और सारे दोस्त लोग को पता है कि आज ब्लॉग बनेगा तो बहुत मस्ती होने वाला है। तो बस आप लोग आगे देखते जाइए आगे क्या क्या हो रहा है। फिलहाल मैं अभी सुबह सो के उठ चुका हूँ और चलता हूँ अपने रूम से नीचे और नाश्ता वगैरह करके तैयार होता हूँ। 2 बजे से पेपर है, तो 2 बजे से पेपर है, उसके बाद से जाएंगे हम लोग पेपर देने। तो काफ़ी लेट हो चुका है और हम लोग घर से निकल चुके हैं और उन लोग का वेट कर रहे हैं, मतलब वेट नहीं, हम मेरे को ही कार लेके जाना है उन लोग को नवलपुर से रिसीव करना है, जो कि पूरा हम लोग का प्लान था कि ब्लैक पहन के जाना है, जो कि फुल ड्रेस मेरा। तो अभी वहाँ पर चल के वहाँ से देखते हैं, जो कि मैं बस निकल चुका हूँ उन लोग को लेने और बस पहुँच ही चुका हूँ और पूरा ब्लैक मतलब हम लोग का मतलब साथ में बहुत मज़ा आने वाला है, जो कि आज हम लोग का लास्ट पेपर और बहुत इंजॉय भी करेंगे, जो कि आधे दोस्त लोग मतलब बाइक से जा रहे हैं बट हम लोग जो है ना वो लोग कार से जा रहे हैं, जो कि मैं भी पहुँच चुका हूँ और इन लोगों के पास और वो लोग बस यहीं पर आ चुके हैं जो कि मेरे पास। तो बस यहाँ से कार टर्न लेके और निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो अपात और हम मतलब कार में बैठ चुके हैं और यहाँ से आगे आशी और विशाल लोग जो कि और भी यार हम लोग हैं और ये और हम लोग मतलब अभी कार में और ये लोग देखिए अभी ये लोग भी मतलब तो पिक करके और बस निकलते हैं, जो कि बहुत लेट भी हो चुका है हम लोग का, क्योंकि बहुत मस्ती हो रहा है यहाँ पे गाड़ी में और बस हम लोग स्कूल पे पहुँचने हैं, मतलब अभी पहुँचने नहीं वाले हैं क्योंकि जवान वगैरह लोग वहाँ पे पहुँच चुके होंगे और हम लोग बस यहाँ से निकल चुके हैं, जो कि पीछे हमारे कुछ खास दोस्त जो कि हम लोग बस साथ में और सारे लोग का प्लान था कि मतलब ब्लैक पहन के जाएंगे बट 2 लोग कमीने थाले समझ सकते हैं आदमी। तो बस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और पहुँचते हैं स्कूल पर, देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है आज का दोस्त लोग का। बस यहाँ पे हवा टायर में भराने वाला काम हो रहा है और काफ़ी देर से हम लोग का वहाँ पे वेट हो रहा है, दोस्त लोग वेट भी कर रहे होंगे, तो हम लोग का एंट्री बहुत ख़तरनाक होने वाला है, देखते हैं वहाँ पे एंट्री हम लोग का एकदम हीरो माफी। तो वहाँ पे हाँ तो अभी लास्ट एग्जाम है, उसके बाद से हम लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे कौन किस को, तो अभी फुल इंटरटेनमेंट आज होगा। तो आज हम लोग निकलते हैं यहाँ से फटाक से, मतलब हवा भरवा के बस स्कूल में पहुँच के देखते हैं वहाँ पे कि ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और हम लोग स्कूल पे पहुंचने वाले हैं, जवान वगैरह लोग का बार बार फोन आ रहा है क्योंकि ये देखिए ट्रैफिक, इस ट्रैफिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है हम लोग का, क्योंकि पीछे इन लोग का शक्ल देखिए एकदम गुस्सा ट्रैफिक की वजह से। तो बस स्कूल पर पहुँचने वाले हैं लोग और देखते हैं एग्ज़ाम आज का कैसा जा रहा है, बाकी सब तो अच्छा गया है, बस एग्ज़ाम देखते हैं कैसा जा रहा है आज। स्कूल पे हम लोग आ चुके हैं और ये जवान मतलब काफ़ी हम लोग से गुस्सा है, जो कि इसको कार के बिना हम लोग ये पहले ही आ चुका था बाइक से, जो कि कार छोटा तो था भी तो नहीं तुम क्या अरे भाई अचानक से थोड़ा सा हो गया, तो बस अभी स्कूल पे आ चुका लोग और चलते हैं पेपर देने, तो गाड़ी यहाँ पार करके और चलते हैं हम लोग, क्योंकि पेपर हो चुका है और हम लोग का बस कार तैयार है और बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जो कि ये आखिरी पेपर का। और ये देखिए हमारे आफाक भाई उधर है, जो कि काफ़ी दोस्त हमारे यहाँ पे बैठे हुए लोग और हम लोग मतलब गाड़ी में आ चुके आके बैठे हुए हैं। और ये देखिए अरसलान मसूद, जो कि हमारे बहुत जिगरी दोस्त हैं, जो कि हमारे साथ ही पढ़ चुके हैं शुरू से, और यहाँ पे विशाल आफाक वगैरह और स्कूल के काफ़ी बच्चे भी हैं जो कि आशी सबका इंट्रोड्यूस एक अलग वीडियो मेरे फ्रेंड सर्कल का सबका होगा एक दिन, क्योंकि सारे लोग का यहाँ पे पेपर हो चुका है। और आफाक आपका पेपर कैसा हुआ है भाई? जो पढ़ा हुआ था
जो कि ये मेरे जस्ट मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मेरे आगे अपाक बैठा हुआ और ये देखिए विशाल बोल रहे फाड़ के रख दिए, ये मतलब क्वेश्चन पेपर फाड़ के रख दिया है और कुछ नहीं, जिसने जो पढ़ा था उसके हिसाब से तो वो अच्छा ही हुआ होगा उसका। हाँ तो नहीं पढ़ा था उसका खराब हुआ। तो ये मेरे को नहीं लगता है कि हम में से कोई भी पढ़ा हो, एक आशिक पढ़ा होगा जो की भी वही होगा जो हमारे ग्रुप में वही एक पढ़ने वाला है जो कि हम लोग से सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है और इंशाल्लाह दुआ है उसका हम लोग से ज्यादा नंबर आएगा, वो तो ऐसे भी आएगा बस सब लोग पास हो जाए। और दुआ है कि सबसे ज्यादा मतलब आयुष के लिए क्योंकि उसको कहना है कि ये सलेमपुर से पूरा रहमत नगर तक कॉपी लिख दिया है। हाँ सलेमपुर से रहमत नगर तक कॉपी लिख दिया और अभी मतलब बस हम लोग पेपर दे के घर के लिए निकल रहे हैं जो कि सलेमपुर में रुके हुए थे लोग कार से, तो बस अभी जाते हैं घर पे देखते हैं वहाँ पे कुछ। हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, ब्रिज बस क्रॉस करने वाले हैं और सामने हमारे ड्राइवर हैं। क्या जानते हो भाई? हाँ ड्राइवर बन चुके हैं हम इन लोग का जो कि अरे भाई लोग पूरा पेपर फाड़ के रख दिए हैं, पूरा पेपर फाड़ के रख दिए आयुष की। अरे भाई हम कर भाई पते बटे नोलपुर से कर हमारे नगर में भाई दरियल मास्कर के नाम से आना है। बहुत बढ़िया बहुत आगे बैठ के। तो ये अली हुसैन हमारे पीछे पीछे जो कि एक हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे पीछे घूम रहा है ये जो कि, और हमारे आसिफ भाई कुछ कह रहे हैं जो कि सुन लिए जाए थोड़ा। बोल रहे हैं जो भी आज मूवी का कलेक्शन हुआ है 2023 का आज पूरा सुबह तक देखना है। हाँ तो आज पूरा एकदम सुबह तक देखने, और अगर जो कहीं किसी उसमें पठान मूवी लगा हो तो हम लोग चलेंगे पठान मूवी देखने क्योंकि अब एग्जाम खाली हो गया, बस अब क्रिकेट खेलना है, पढ़ाई किताब वगैरह फाड़ के फेंक देना है, चला देना है क्योंकि पढ़ने वाला। हाँ तो अब आप लोग इंस्टा पे हम लोग का अच्छा स्टोरी देखिए और वहाँ अली हुसैन बाहर से कुछ कह रहा है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर फाड़ के फेंक दिए लोग, तो ठीक है देख रहे हैं आगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है और बस अपने अपने चौराहे पे आ चुके हैं लोग और चलते हैं गांव में। 90% मेरा जो कि आने वाला है केमिस्ट्री के पेपर में 90% इंटरनल 90 है मतलब 30 नंबर और 60 नंबर का लिख क्या है, मतलब 60 नंबर का पूरा आ जाएगा मेरा जो कि 70 नंबर का पेपर था तो उसमें से 60 नंबर मेरा आ जाएगा, 90 नंबर मेरा मिल जाएगा। अरे भाई पकड़ो यार ये देखो मतलब फोटो लगेगा इस, मेरा फोटो लगेगा नहीं भी लगा तो हम लोग साइड से लेके बड़े बड़े बैनर में लगवा सकते हैं। हाँ हम लोग लगवा देंगे लेकिन लगेगा मेरा फोटो लगेगा हम दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह जरूर, नहीं लगेगा तो मैं अपने पास से लगवाऊंगा। हाँ हम लोग का स्कूल और हम बताते हैं आप लोगों की कहाँ पे हमारा फोटो लगेगा, यहाँ पे लगेगा अशोक चा के ऊपर यहाँ पे लगेगा हमारा फोटो और ये हमारा फील्ड जो कि अरसू और जमान भाई जो कि यहाँ पे बाय 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 परीक्षा खत्म जो कि यहाँ पे अब्बा लोग का परिचय दिया जा रहा है अपाक के द्वारा, बस यहाँ पे गाड़ी खड़ा करके और यहाँ पे पीपा पुल जिसको बोला जाता है वहाँ पे मजौली के ये जो दरगाह है पीपा पुल उसके पास है जो कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे घूमने, बस अब यहाँ से हम लोग घर पे निकलते हैं गाड़ी रख के। पीपा पुल पे गाड़ी अपना जा रहा है तो इसका भी नज़ारा देखा जाए, बहुत पतला रास्ता है जो कि दोनों तरफ नदी है, काफ़ी संभल के चलाना पड़ता है और काफ़ी संभल के इसको बस मेरे जैसे एक्सपीरियंस ड्राइवर ही चला सकता है इस पर। सो फाइनली घर पे हम लोग आ चुके हैं, कार वगैरह जो भी मतलब रख के फाइनली आज का दिन हुआ ख़त्म। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था कि मतलब लास्ट पेपर ख़त्म और इंशाल्लाह ब्लॉगिंग बहुत तगड़े लेवल की होगी जो कि एग्ज़ाम के वजह से मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि मतलब बहुत परेशान था, तो अभी थोड़ा पेपर वगैरह ख़त्म अभी माइंड फ्री तो अभी ब्लॉगिंग होगी और बहुत मतलब बहुत हम लोग एंटरटेन करेंगे, बहुत घूमने भी जाने का कहीं प्लान हो रहा है। सजना जी मैंनो छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं।